तो अभी रिसेंटली वीवो ने अपना एक फ्लैगशिप फोन लॉन्च किया है, वीवो X80 Pro, जिसकी प्राइस 80,000 है। 80,000 में आपको दो और ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, iPhone 13 और Samsung S22। पर अनलाइक Samsung और Apple, वीवो X80 Pro के बॉक्स में आपको एक टाइप सी ईयरफोन के साथ साथ 80 वॉट की फास्ट चार्जर भी दिया गया है। Samsung और Apple की तरह वीवो ने एनवायरमेंट बचाने का नाटक बिल्कुल नहीं किया है। वीवो X80 Pro में आपको 6.8 इंच की एक 2K AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है विथ 120Hz रिफ्रेश रेट एंड 1500 nits ब्राइटनेस। डिस्प्ले आपको नो डाउट आईफोन से अच्छा मिलेगा, पर सैमसंग के बारे में कुछ नहीं कह सकते। ये एक फ्लैगशिप फोन है तो परफॉर्मेंस भी आपको फ्लैगशिप लेवल मिलेगा। इस फोन में आपको स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 प्रोसेसर मिलता है। अगर आप गेमिंग करना चाहें तो वो भी इसमें आराम से कर सकते हैं। हाँ, पर अगर आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए फ़ोन चाहिए तो मैं आपको इसकी जगह iPhone 13 रिकमेंड करूंगा। iPhone 13 में आपको इससे अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है। अगर आपको जानना है कि iPhone का परफॉर्मेंस इतना अच्छा क्यों है तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आखिर क्यों Samsung कभी Apple को बीट नहीं कर सकता। Vivo X80 Pro में आपको आउट ऑफ द बॉक्स Android 12 देखने को मिलता है, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। आपको लेटेस्ट एंड्रॉयड देखने को मिल रहा। इस फोन में आपको फ्रंट टच OS देखने को मिलता है, जो कि मेरे लिए एक डाउन पॉइंट है। पर अगर आपको इससे कोई खास प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है, आप इसे ले सकते। अगर बात करें इस फोन के मेन USP की तो वो है इसका कैमरा। Vivo X80 Pro में आपको 4 कैमरा देखने को मिलता है, 50 megapixel का मेन कैमरा विद OIS ऑफ कोर्स, 48 megapixel अल्ट्रा वाइड लेंस और 12 megapixel का टेलीफोटो लेंस विद 2x ऑप्टिकल जूम और आखिरी में 8 megapixel का पेरिस्कोप लेंस। जिस तरह से आजकल वीवो अपने स्मार्टफोन के कैमरे के ऊपर ध्यान दे रहा है, उसको देखकर लगता ही नहीं है कि कैमरे से आपको कोई दिक्कत होने वाली है। इसके 50 megapixel मेन लेंस का अपर्चर कम रखा गया है, जिससे ये ज्यादा से ज्यादा लाइट कैप्चर कर पाएगा, जिससे नाइट शॉट्स ज्यादा बेटर आएंगे। और ये फोन डे लाइट में भी काफी अच्छा परफॉर्म करता है। इस फोन में आप 4K 60fps पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके स्टेबिलाईजेशन पे वीवो ने काफी ध्यान दिया है। पर अगर आपको स्पेसिफिक वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कोई फोन चाहिए तो मैं आपको इस प्राइस पे iPhone 13 सजेस्ट करूंगा। वीडियो के मामले में आईफोन को टक्कर देना काफी मुश्किल है। और अगर आपको ना ही आईफोन लेना है और ना ही वीवो X80 Pro, तब जाकर आप सैमसंग S22 देख सकते हैं। वीवो X80 Pro में आपको 12GB की रैम, 256GB की UFS 3.1 स्टोरेज देखने को मिलता है। मल्टीटास्किंग करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और स्टोरेज भी ज्यादा है तो अच्छा खासा वीडियो स्टोर कर सकते हैं। अरे यार, सब तो बता ही दिया पर एक इंपॉर्टेंट चीज भूल गया। सिंस वीवो X80 Pro एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन है, इसलिए परंपरा के अनुसार आपको उसमें ग्लास पैक देखने को मिलता है विद एल्युमिनियम फ्रेम, जो इसकी इनहैंड फील बढ़ा देता है। पर मुझे इसका ये कैमरा लेआउट कुछ खास पसंद नहीं आया। अगर आपको इनहैंड फील और लुक के बेसिस पे स्मार्टफोन लेना है तब भी मैं आपको इसकी जगह iPhone 13 सजेस्ट करूंगा। और अगर अब ओवरऑल बात किया जाए तो एंड्रॉयड के हिसाब से ये फोन काफी अच्छा है। अच्छा प्रोसेसर, अच्छा डिस्प्ले, अच्छा कैमरा, अच्छा बिल्ड, हर चीज अच्छी देखने को मिल जाती है। पर 80,000 की प्राइस पे वीवो का फोन, ये थोड़ा सोचने की बात है। मैं इसकी जगह आपको हाईली iPhone 13 रिकमेंड करूंगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।